सब्सक्राइब कीजिए मॉडिफिकेशन गुरुजी चैनल को और बेल आइकन को दबाइए लेटेस्ट मॉडिफिकेशन वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। हेलो गाइस, वेलकम टू गाइस मॉडिफिकेशन गुरुजी। आज हम लगाने जा रहे हैं ये वाले इंडिकेटर। आप देख सकते हैं KTM के इंडिकेटर्स है, ये काफ़ी अच्छे लगेंगे। इसके लिए हमें यहाँ एक नट और इधर पे एक नट रहता है और इधर नीचे में भी एक नट रहता है। हमें इन तीनों नट को बाहर करना है, उसके बाद ये पूरा बाहर निकल जाएगा हमारा पैनल। तो चलिए इसको बाहर करते हैं। इसके लिए हमें ये इसको उसी से हमें खोल के बाहर करना पड़ेगा। तो चलिए इन दोनों इंडिकेटर को हम बाहर कर लेते हैं। जो वायर लगे हुए थे मैंने उसे भी बाहर किया हूँ। अब हमें ये इंडिकेटर को बाहर निकालना है, तो चलिए इसे बाहर निकालते हैं। अब देख सकते हैं ये बाहर हो चुका है। ऐसे ही हमें दूसरे इंडिकेटर को भी बाहर करना है, तो चलिए उसे भी बाहर करते हैं। तो गाइस, हमारा दूसरा इंडिकेटर भी बाहर हो चुका है। अब हम अपने KTM के इंडिकेटर्स में लगाने जा रहे हैं, तो चलिए उसे भी लगाते हैं। गाइस, हमें इसे लगाना है, आप देख सकते हैं। सबसे पहले तो हम इसकी वायरिंग को बाहर करते हैं जो इसमें लगा था। उसको बाहर करने के बाद हमें ये नट को खोलना पड़ेगा। ये नट खुल चुका है और जहाँ हमारा पहला इंडिकेटर लगा हुआ था हमें उसमें सबसे पहले इसमें वायर घुसेंगे। वायर घुसाने के बाद ये कुछ इस प्रकार बाहर आ जाएगा, इंडिकेटर ऐसा रहेगा। फिर हमें अपने नट को वापस से लगाना है। आप देख सकते हैं इसको हम अच्छे से टाइट कर देंगे टी की मदद से। तो चलिए उसे भी कर देते हैं। सुबह इसके दो वायर दिख रहे हैं, एक ब्लैक वायर है एक येलो वायर है। तो इसमें जो हमने रखे थे लेफ्ट इंडिकेटर का लेफ्ट, इसको इसमें डालेंगे और जो माइनस में रहते हैं माइनस के ब्लैक वायर के, इसमें दो दिए रहते हैं। ये सभी गाड़ियों में एक जैसे रहते हैं, हमें इसे लगाना पड़ेगा। अब हम इसी तरह दूसरे इंडिकेटर को भी लगा लेते हैं। तो जैसा कि गाइस आप देख सकते हैं हमारे दोनों इंडिकेटर लग चुके हैं। अब मैं ये जो दोनों है उसे वापस से लगा के आपको इंडिकेटर दिखा देता हूँ। इसका कनेक्शन भी दोनों इंडिकेटर का हो चुका है, तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूँ। सो जैसा कि गाइस आप देख सकते हैं हमारे इंडिकेटर लग चुके हैं इधर का और इधर का। अब मैं आपको चालू करके दिखाता हूँ। आप देख सकते हैं ये डे टाइम में तो कुछ इस टाइप का लगेगा, नाइट में और भी प्यारा लगेगा। आप प्रोजेक्टर देख रहे होंगे, ये प्रोजेक्टर से DRL से कनेक्ट किया मैंने, आप देख सकते हैं। सो गाइस, जैसा कि आप देख सकते हैं नाइट में कुछ इस टाइप का दिखेगा। आप देख सकते हैं काफी अच्छा दिख रहा है। इसे मैंने यहाँ से बाय किया है, आप देख सकते हैं बाइकर्स चॉइस। अगर आप गोंदिया में रहते तो आप इसे यहाँ से बाय कर सकते हैं। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, इस वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए और शेयर करिए। थैंक यू।